हेलो, आप पे कुछ डाउट्स थे, पहले डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एक आपका केमिस्ट्री में डाउट था कि सर हम मॉडर्न उसको पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करते हैं, तब उसमें भी डिस्कस हैं, तो रीज़न ये है कि उसका अभी तक उसका कोई बेस्ट वर्जन, उसका बेटर वर्जन अभी तक हमें मिला नहीं है। काम चला रहे हैं, मेरी नहीं कहना यूज़ करें, हम काम चला रहे हैं। कभी कभी हमारे मोबाइल भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका नहीं थोड़ी कि हम उसको तुरंत ही फेंक देते हैं। हम वेट करते हैं नई चीज़ों के आने का, और जब तक के लिए उसकी जो कमियां हैं उससे हम थोड़ा एग्रीमेंट कर, ठीक है कमियां हैं तो हैं, अब जब नया आएगा तब नया देखेंगे, है ना। तो हाल फिलहाल हम इसको यूज़ कर लेते हैं, इसी तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी यूज़ करे जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके डिफेक्ट को दूर करने का कोई तरीका मिला नहीं है, ठीक है, उससे बेटर कोई टेबल अभी मिली नहीं है, ठीक है। दूसरे का आपने क्वेश्चन पूछा था, लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन था वो, एक बार मैं चेक कर लूँ। कह रहा हूँ आज आपने वो चैप्टर तो खत्म करा दिया, लेकिन सर मेरे को एक शॉर्ट आंसर के अंदर डाउट वाला शॉर्ट ये सिक्स वाला शॉर्ट आंसर है कि व्हाट वाज द व्यू ऑफ गांधी जी ऑन पंचायत। आंसर सर इसका अच्छा, आंसर क्या है? गांधी जी का भी ऑन पंचायत। लेट मी चेक क्वेश्चन का पर्पस क्या है। ओ गांधी जी हमारे का, सिंपल सब पूछ रहा है कि गांधी जी का पंचायत, जो पंचायत जो टर्म जो आया था, पंचायत जो टर्म आया था उसके ऊपर गांधी जी की क्या सोच थी, व्यू मतलब ये उनका ओपिनियन था, उनका क्या ओपिनियन था। तो पता चला उनका ओपिनियन यही था कि जब पंचायत जब आएगी, जब ये पंचायत वाला सिस्टम आएगा, पंचायत वाला जब सिस्टम आएगा तब तो सारे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ऐसा उनका ओपिनियन था कि पंचायत गाँव को उनकी इंडिपेंडेंस, उनका सेपरेट इंडिपेंडेंस, उनके सेपरेट रेस्पेक्ट दिलाने में हेल्प करेगी, बस जस्ट ये आपको ये लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, जो एग्जैक्टली उसमें नहीं लिखी वैसे नहीं लिखना है, थोड़ा घुमा के लिखना है, ठीक है। चलो मैं आपको आगे ले चलते हैं। हमने मेयर तक पढ़ लेते हैं, मेयर के फंक्शन पढ़ने हैं हमें, ठीक है, शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ द मेयर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन, इसको सर फर्स्ट सिटीजन माना जाता है सिटी का, सर तो इंडिया का अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री में सर को फर्स्ट सिटीजन माना जाता है प्रेसिडेंट को, अगर कंट्री में फर्स्ट सिटीजन की बात करें तो प्रेसिडेंट को सबसे पहले वो कह सकते हो पोजीशन दी जाती है, और सिटी के अंदर मेयर को, सिटी के अंदर मेयर को, स्टेट के अंदर कभी पढ़ा नहीं है मैंने, कभी पढ़ा नहीं है, बल दो चीज़ों को हम रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो कह सकते हैं कि स्टेट नहीं, गवर्नर सीएम भी नहीं, पता नहीं स्टेट में फर्स्ट पर्सन किसको कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन किसको कहा जाता है पता नहीं। कंट्री में तो प्रेसिडेंट को कहा जाता है, और सिटी में आपके मेयर को, ठीक है। ही रिप्रेजेंट द सिटी, वो सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एट वेरियस सेरेमनीज, बहुत सारे फंक्शनों में, एंड रिसीव्स द फॉरेन गेस्ट भी आते हैं कमिंग टू विजिट द सिटी। दिस इज कंसिडर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी, और यही उनकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है। दूसरा, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इतनी मीटिंग्स होती है, सबको ध्यान रखना, मैनेज करना। ही अब देखो मैं आपको बता दूँ, अगर आप सर सारे काम करता है ना, ये अपने नीचे लोगों को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं सोचता हूँ सर मेयर है तो मेयर ही करे, नहीं, मेयर ने अपने नीचे लोग रख रखे हैं, मेयर ने अपने नीचे कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रखा है, वो ये सारे काम करते हैं, ठीक है।
ड्यूटी ये जो मैं फंक्शन बोलता हूँ, फंक्शन बोला कि मेरे को काम करवाने हैं, अब चाहे मेरे को खुद कर ले या किसी और से करवा ले, ठीक है, हम फंक्शंस पढ़ते हैं ना किसी भी अथॉरिटी के फंक्शंस, तो इसका लेने कि वो ही इंसान ही अपने हाथों से वो काम करे, नहीं या तो वो खुद कर ले या वो किसी से करवा ले, बस काम होना चाहिए, ये काम करवाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप काम किससे करवाना है ये वो देख सकते हैं, ठीक है। ही रेगुलेट्स एंड कंडक्ट्स बिजनेस ऑफ द कॉरपोरेशन, ही फिक्स द एजेंडा, एजेंडा मतलब पर्पस, एजेंडा मतलब पर्पस, ही फिक्स द एजेंडा फॉर कंसिडरेशन एट द मीटिंग्स ऑफ द कॉरपोरेशन। सर कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन मतलब समथिंग रिटर्न, मैंने आपको लर्निंग दी तो उसके बदले में आपने मुझे रिटर्न क्या दिया, फीस, तो ये कंसिडरेशन हो गई, ये क्या हो गई कंसिडरेशन। आप मार्केट में गए, आपने बिस्कुट खरीद, आप बिस्किट खरीदने गए, बिस्किट नॉट बिस्कुट, बिस्किट खरीदने आप गए, ठीक है, बिस्किट आपने लिया, उसके बदले इन रिटर्न आपने क्या दिया, मनी, तो मनी क्या हो गई कंसिडरेशन। और या फिर मेरे को शॉपकीपर ने आपसे मनी ली तो उसने मनी के बदले इन रिटर्न आपको क्या दिया, बिस्किट, तो ये क्या हो गया कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इन रिटर्न जो हम कुछ देते हैं, समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, है ना। तो मीटिंग का, अब मीटिंग का पर्पस की बात करें आपका, कि मीटिंग का पर्पस क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेयर डिसाइड करेंगे। ही ऑब्टेन्स रिपोर्ट्स फ्रॉम द म्युनिसिपल कमिश्नर रिगार्डिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द कॉर्पोरेशन। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर काम चल रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह ही ले सकते हैं, चेक करते हैं काम कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा, ठीक है। ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द कॉर्पोरेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये सिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, अब बात आती है थर्ड यानी कि स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी, द मेंबर्स ऑफ द जनरल काउंसिल रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टैंडिंग कमिटी थ्रू इलेक्शंस। वो कहते हैं जनरल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं ना, जनरल काउंसिल के मेंबर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैंडिंग कमिटी बनाई जाती है, और यही भी इलेक्शंस के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। देर आर डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज, अलग अलग तरीके की कमिटीज होती हैं अलग पर्पज के लिए, है ना, टू डील विद सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस, फाइनेंस की अलग कमिटी होगी, हेल्थ को मैनेज करने के लिए हेल्थ की अलग कमिटी होगी, इंजीनियरिंग के लिए अलग, टैक्सेशन के लिए अलग, वेलफेयर स्कीम्स के लिए अलग, तो हर पर्पस के लिए अलग कमेटीज बनाई जाती हैं। फिर आते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर, फिर आते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर, इनकी फंक्शंस होते हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ध्यान रखना पहले तो ये, इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, है ना, फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स इन द केस ऑफ यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी मतलब क्या, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जहाँ पे कंट्रोल करती है, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सर वहाँ पे फिर गवर्नर से नहीं, वहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कॉर्पोरेशन, वो कॉर्पोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मेन प्लेयर ये होते हैं, उनके क्या और क्या क्या काम होते हैं, उनके और क्या क्या काम होते हैं, टू कैरी ऑन एंड कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, एडमिनिस्टर करना और काम, एडमिनिस्टर करना और कंट्रोल करना, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, सर प्रोजेक्ट के प्लान वगैरह सब बन गए, मैंने बना दी है,
अब मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया इसको म्यूनिसिपल कमिश्नर को कि ये लो मैंने प्लान बना दिया, ये प्रोजेक्ट रेडी है, अब इसको इम्प्लीमेंट करो। ये प्लान तो मैंने पेपर पे तो बनवा दिया, अब रियल में कैसे करवाना कैसे नहीं देखो जरा, इम्प्लीमेंट करवाओ इसको। एंड प्रोग्राम है जिलेट डाउन वाली जनरल काउंसिल है ना, जनरल काउंसिल में सब बैठ के बनाएंगे प्लान वगैरह। अब म्यूनसिपल कमिश्नर है जो उनको कहेगा कि चलो अभी फॉलो कराओ, ठीक है। टू मेंटेन द सेफ गार्ड ऑल म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज, अच्छा टू मेंटेन एंड सेफ गार्ड ऑल म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड एक्सेट्रा, यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको सेफ गार्ड करना, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रिपेयर फाइनेंशियल बजट, फाइनेंशियल बजट एंड परफॉर्म अदर रेट फंक्शन, सब मतलब क्या है फाइनेंशियल बजट और परफॉर्म अदर रेट फंक्शन। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, अब बजट पता है ना बजट क्या होती है, अब बजट मतलब होता है एक तो हम लिखते हैं अपने इनकम फिर लिखते हैं और एक जगह उसके एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। पहले हम लिखते हैं इनकम, इनकम ना पैसा कहाँ से आएगा कितना आएगा, पैसा कहाँ से आएगा और कितना आएगा, फिर तो बाद में हम अकॉर्डिंगली क्या करते हैं खर्च लिखते हैं कि अच्छा इतना पैसा आ गया यहाँ से आएगा तो इसको मैं ऐसे से इस जगह पर लगाऊंगा इतने रुपये लगाऊंगा। और इनका सर जो एक्स इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है, अगर इनकम ज़्यादा हुई तो सेविंग आएगी, इनकम कम हुई एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए तो डेफिसिट आएगा। तो ये तो हो गया बजट जो हम नॉर्मली हम जानते हैं घर में ही बनते होंगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता, इनके पास पहले पैसा आता नहीं। तो नहीं वो तो बात सही है कि सब अगर आते हैं तो खर्चा पहले हो जाता है क्या, नहीं आता तो मतलब पैसा पहले ही, लेकिन इनको पता है क्या करना पड़ता है, एक इनको बजट बना के देना पड़ता है। बजट में सबसे पहले पता है क्या करते हैं, बजट बना के देते हैं, मैंने बनाए हैं ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इसलिए मुझे पता है। आरबीआई कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है पढ़ेंगे सर इस चैप्टर में है, हम लोगों को पढ़ा था ना कैंटोनमेंट बोर्ड, ये वो एरिया होता है जहाँ पर आर्मी वाले रहते हैं, यहाँ पर जनरल पब्लिक अलाउड नहीं होते। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे ना, मैं आपको बजट बताता हूँ। तो ये हमारे एक बजट बनाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। बजट इसके अंदर हम पता है पहले इनकम नहीं लिखते हैं, हम इसके अंदर लिखते हैं इधर तो आ जाएंगे हमारे रुपीज, इधर हम लिखते हैं सारे एक्सपेंस, इधर हम लिखते हैं सारे एक्सपेंस कि हमें इस खर्चे में के लिए इतना पैसा चाहिए, इतने खर्चे के लिए इतना पैसा चाहिए, ठीक है। फिर लिखते हैं हमारे पास कितने हैं, हमारे पास कितने हैं यानी अपनी सेविंग लिखते हैं, ठीक है। तो जनरली जिनका जो डिफरेंस आता है ना वो आती है डेफिसिट, वो क्या आती है डेफिसिट, ये कहते हैं कि हमें करने हैं लेट सपोज, रुको मैं लिख दूँ यहाँ पर डेफिसिट, डेफिसिट मतलब कमी है ना, तो ये कमी दिखाते हैं बेसिकली। तो कहते हैं कि हमें खर्च करने हैं 100 रुपये, देखिए हमारे पास सेविंग है केवल 40 रुपीज़ की, तो हमें 60 रुपीज़ कम है, 60 रुपीज़ हमारे पास क्या है कम है। तो 60 रुपीज़ सर कम क्यों दिखाते हैं, ये कहते हैं सर हमें 60 रुपीज़ कम है, इनको 60 रुपीज़ इनको गवर्नमेंट क्या देती है, ग्रांट देती है। गवर्नमेंट क्या देती है, ग्रांट देती है, गवर्नमेंट क्या देती है, ग्रांट देती है। तो ये फाइनेंशियल बजट किस लिए बनता है, ग्रांट लेने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा ऐसे थोड़ी दे देगी कि किसी ने बोला कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, मुझे 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, नहीं क्यों चाहिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके दो, मैं पूरा पूरा प्लान बता के दो कि आप कहाँ कहाँ पर खर्च करोगे और आपके पास ऑलरेडी सेविंग उसका क्या करोगे, ठीक है। तो पूरा बनाकर देना पड़ता है, फिर जो डेफिसिट आती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसको पूरा देना है, पैसा कितना देना है, ठीक है। तो इस तरह के बजट तैयार करना, परफॉर्म अदर रिलेटेड फंक्शंस, सर केवल बजट बनाने का काम थोड़ी होता है, फिर डिपार्टमेंट से मिधर तो बात करना, तो गवर्नमेंट तक ये सारी बातें पहुंचाना, इन चीज़ों को मैनेज करना, तो सारे काम यही करते हैं, सारे काम म्यूनिसिपल कमिश्नर ही करते हैं, ठीक है। टू टेक पार्ट इन द मीटिंग्स, मीटिंग में पार्ट लेना काउंसिल की, बट ही कैन नॉट मूव एनी रेजोल्यूशन, हाँ लेकिन ये कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते, ना ही किसी प्रस्ताव को ना ही किसी रेजोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, यानी किसी रेजोल्यूशन में इनका पार्टिसिपेट नहीं रहेगा मीटिंग में, या बस वॉच करने के लिए आ सकते हैं, प्रेजेंस दे सकते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ द मिनट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, सब मिनट्स क्या होता है, मीटिंग होती है तो मीटिंग में
वहाँ के चेयरपर्सन होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, तो क्या नहीं बोल रहे तो नहीं, वो जो जो बोल रहे हैं ना मीटिंग में, उन सबों को एक इंसान रिकॉर्ड करता रहता है डायरी में, ठीक है। तो वो जो डायरी होती है ना, डायरी में वो हर चीज़ें लिखी होती है, मीटिंग की बातें जो लिखी होती है उसको होता है मिनट्स। तो मिनट्स लिख लो डायरी बुक ऑफ मीटिंग, मिनट्स का मतलब लिख लो डायरी ऑफ मीटिंग, डायरी म्यूनिसिपल कमिश्नर का, ठीक है, 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 एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, और जो भी उसके प्रोसीडिंग्स निकल के आई हैं, जो रिजल्ट निकल के आए हैं, वो सारे मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, म्यूनिसिपल कमिश्नर की, म्यूनिसिपल कमिश्नर की, ठीक है। ठीक है सर, ये तो आपने तीनों चारों पार्टों के में फंक्शन बता दिए, मीनिंग बता दिए है ना इंडिपेंडेंटली। ओवरऑल बताओ सर, ओवरऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो क्या करती है, देख लो ओवरऑल वो क्या करती है, फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज द लोकल गवर्नमेंट यूनिट इन दिस सिटी। It all with the, all the matters that concern the residents of deal with all the matters, ये उन सारे मैटर से है, इट डील्स विद ऑल द मैटर्स दैट कंसर्न, ये उन सारे मैटरों से डील करती है जो कि कंसर्न करते हैं रेजिडेंट्स ऑफ दी सिटी, जो भी उस एरिया के लोगों से कंसर्न करते हैं, वो सारी बातें हैं, वो सारी बातों पर ध्यान देते हैं। दीज फंक्शन आर जनरली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, जो फंक्शन होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, ऑब्लिगेटरी यानी कंपल्सरी करने हैं, और दूसरे डिस्क्रिशनरी, नहीं कंपल्सरी नहीं है, आपकी इच्छा है, ऑप्शनल है, इच्छा है आपकी, करना है तो करता हूँ नहीं तो मत करूँ। जो ऑप्शनल होते हैं उनका तो बेस सिंपल सा पर्पज होता है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, थोड़ा अपग्रेडेशन आ जाएगा, थोड़ा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी होती है तो करनी ही करनी है, इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। तो कंपल्सरी फंक्शन में क्या कहेंगे, तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जिसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, तो वो तो कंपल्सरी आपको करनी ही करनी है। प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी करके रखो, वाटर करके रखो, सीवेज डिस्पोजल का ध्यान रखो। दीज फंक्शंस आर कैरिड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, सर ऐसा नहीं कि सारे काम मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई हेड करता हो, नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट है हर चीज़ के लिए, वाटर का डिपार्टमेंट अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग होता है, ठीक है, सीवेज वालों के लिए अलग होते हैं, नगर पालिका जिनको कहते हैं, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक्सपर्ट्स वहाँ पे, सब एक्सपर्ट्स वहाँ पे, उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, एंड इंजीनियर्स हुआ अपॉइंटेड एज द एज फुल टाइम एम्प्लॉयज, और जो कि एज द फुल टाइम एम्प्लॉय।